गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वचन पढ़ेंगे। लेकिन वचन से पहले क्या है कि जितना भी आपको करवाया गया कार्य है उसके लिए मैं आपको कुछ प्रश्न लिखवाऊंगी, आपको गृह कार्य करना है। डेट डाल के कॉपी में आज की और कुछ प्रश्न है वो आपको करके लेके आने हैं। नंबर एक, नीचे लिखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये कुछ खाली स्थान है जो आपको काम करवाया है उसी में से, तो आपको पूरा करना है। व्याकरण के अंग होते हैं। नंबर दो, ये है दो या दो से अधिक अधिक मेल को शब्द कहते हैं। अब तीसरा, भाषा के भेद होते हैं। फिर है चौथा, इसमें आपका यह लव व्यंजन है, ये आपके खाली स्थान होंगे। अब है क्वेश्चन आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप, दूसरा क्वेश्चन आपका, भाषा किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सार्थक और निरर्थक शब्दों के उदाहरण लिखो। सार्थक एवं निरर्थक शब्दों के उदाहरण लिखो। फिर चौथा क्वेश्चन आपका, वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। पांचवा है, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, कितने भेद होते हैं। ये आपका गृह कार्य है, तो ये आज आपको खुद को ही करना है। अब अपन लेते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, तो वचन है आपका संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्याओं का बोध होता है उसको हम वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द से यह है वचन, जिस संज्ञा शब्द से उसकी संख्या का
बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। अब क्या है कि एक वचन में तो जिनमें संख्या कम होती है, जैसे एक है, वह लड़का है, वह पुस्तक है, तो ये क्या है, एक चीज का पता चल रहा है तो वो एक वचन हो गया। और जिसमें हमें एक से अधिक चीजों का बोध होता है उसको हम बहुवचन कहते हैं। तो एक वचन जिस संख्या, जिस शब्द से एक वचन, एक वचन में क्या आएगा आपका, जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का पुस्तक, पेन, कुर्सी, मेज आदि, ये क्या है, एक वचन है। अब इनको यदि हम लड़के, पुस्तके, कुर्सियां लिखे तो क्या होगा, वो बहुवचन बन जाएगा। तो अब है अपना बहुवचन, दूसरा बहुवचन। तो इसमें क्या होगा, जिस संज्ञा शब्द से प्राणी किसी एक से अधिक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे किताबें, बातें, कारें, कहानियां। तो ये क्या है, बहुवचन, एक से अधिक हो गई ये सारी चीजें, तो इसको कहेंगे अपन बहुवचन। अब मैं इनके आपको उदाहरण लिखवा देती हूँ, सब लिखवा देती हूँ, एक वचन के और बहुवचन के कुछ। तो यहां तो है आपका एक वचन, एक वचन, और ये है आपका बहुवचन। अब है, मैं उदाहरण लिखा देती हूँ आपको। तो देखो, लड़का, लड़की, ठीक है, बात, बातें, झील, झीले,
नदी नदियां सत्यां बच्चा बच्चे एक कपड़ा कपड़े इस तरह से आपको बहुवचन बढ़ाने हैं। दो तीन मिनट बोली थी। घोड़ा घोड़े बेटा बेटे साधु साधु गण मंत्री मंत्री गण अध्यापक अध्यापक गण छात्र छात्रों विद्यार्थी विद्यार्थी गण विद्यार्थी गण ये हुआ आपका वचन कंप्लीट। तो आज अपन ने पढ़े वचन किसे कहते हैं।